भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष 64 यह दवा कोरोना मरीज के लिए निर्धारित की गई है। सेवा भारती इसको नोडल एजेंसी बनाकर इसके माध्यम से कोरोना मरीजों को उनके घर जाकर के निःशुल्क यह दवा देनी है। यह दवा कोरोना मरीज के सामान्य लक्षण होने पर 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को भोजन के बाद लेने के लिए, और जिनको थोड़ा गंभीर बीमारी है, कोरोना ज़्यादा उनको प्रभावी है, तो उनको 3 टाइम लेना, और ऐसे इन दवा को देते हुए अपने को स्वस्थ रखना। सभी स्वस्थ और निरोग रहें, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर आयुष मंत्रालय की इस दवा को सेवा भारती के कार्यकर्ता अजमेर महानगर के 11 नगरों में 11 केंद्रों के माध्यम से उनको पहचान करके, उनकी जानकारी रख करके, उनके निर्धारित प्रोफार्मा पर उनकी आरपीटीसीआर की रिपोर्ट लेकर और उनका पहचान पत्र लेकर उनको ये दवा दी जा रही है। ऐसे कार्यकर्ता आज से इस कार्य को शुभारंभ हुआ है, और जैसे जैसे मरीज मिलते जाएंगे वैसे वैसे सबको ये दवा दी जाएगी। ऐसा अजमेर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, इनमें ये दवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। आगे चल करके अन्य और राजस्थान के बड़े नगरों में किया जाएगा। ऐसे ही संपूर्ण देश भर में ये सारी योजना है जिसको लागू किया जाएगा। आपका नाम? शिवलहरी, राजस्थान क्षेत्र सेवा प्रमुख।